गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम जो है नेट का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो क्योंकि हमने कॉस्ट की बात हमने कर ली है, प्रोडक्शन की बात हमने कर ली है, ठीक है, और डिमांड सप्लाई सेट सब तरह से हमने ये जो बेसिक चीज़ें थी स्टार्टिंग के जो दो टॉपिक थे वो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आप इस टॉपिक को कह सकते हो। टॉपिक का नाम है डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अगर हम ऑफलाइन क्लास में होते तो हम आपसे पूछ लेते डायरेक्टली कि भाई बताओ चंचल क्या है सर्टेनिटी, फिर हम रूबिया से पूछते रिस्क क्या है, फिर हम रीनो से पूछते अनसर्टेनिटी क्या है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी वो फैसिलिटी हमारे पास है नहीं कि मैं आपसे इंटरेक्शन कर सकूं, तो ऑब्वियसली मुझे ही सब कुछ इसके में आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो डिसीजन मेकिंग है क्या चीज़। डिसीजन मेकिंग होता है हमारा निर्णय लेने की अक्षमता, कि हमें डिसाइड करना है कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना है कैसे करना है, सब डिसीजन। तो वो उसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग पावर। और ये पावर कैसे मिलेगी, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर है, तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर है। पहली चीज़ तो इसमें यही है कि डिसीजन मेकर जो है एक ही होता है, कहीं भी जो सुप्रीम डिसीजन मेकर होगा वो आपको एक ही मिलेगा। तो उसके बाद है सर्टेनिटी। तो ये कहा कि जो हमारे निर्णय लेने की अक्षमता है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई शॉप खोलनी है, कोई दुकान करनी है आपको किसी मार्केट में, तो पहली सिचुएशन ये है सर्टेनिटी, यानी कि निश्चितता। कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि आप श्योर नहीं हो, आपको सब फैक्टर्स पता है, आपने मार्केट का अच्छे से विश्लेषण कर लिया, भाई जैसी दुकान आप खोलना चाहते हो वैसी और कितनी दुकानें उस मोहल्ले कॉलोनी या उस शहर में है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग क्या होगी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, वो भी आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से मिलेगी, और जी माल सबसे सस्ता कहाँ से मिल सकता है, और किस एरिया में जो है लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी ज़्यादा है, ये सब फैक्टर्स आपने डिटेल में क्या किया, रिसर्च किया, एनालाइज किया, विश्लेषण किया। तो इसमें आपको अब सब कुछ कैलकुलेटेड है, सर्टेनिटी में सब कुछ निश्चित है। अब आप बिल्कुल निश्चिंत होके डिसीजन ले सकते हो कि शॉप खोलनी है या नहीं खोलनी है। ये तो होगी सिचुएशन पहले वाली जिसको हम बोलते हैं सर्टेनिटी। तो इसमें डिसीजन लेना हमारे लिए बहुत आसान रहेगा, सीधी सी बात है। इसमें हम जो है डिसीजन आराम से ले सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें जो है सर्टन है, निश्चित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाते हैं जी रिस्क पे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रिस्क क्या है, तो हम जैसे आप 6 स्टूडेंट हो तो 6 के 6 का हो सकता है जवाब अलग हो, लेकिन हो सकता है सारे जवाब सही भी हो। कहने का मतलब ये है कि रिस्क की बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन उनमें से एक आपको मोस्ट कॉमन जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि रिस्क क्या है। तो रिस्क क्या है, ये जो है अनसर्टेनिटी से अलग होता है। रिस्क में जो है लॉस जुड़ा होता है हर चीज़ का, फाइनेंशियल लॉस, पर्सनल लॉस, इंस्टीट्यूशनल लॉस, हर तरह का। लेकिन जितना लॉस होता है उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी भी उसमें जुड़ी होती है। जहाँ पे जितना ज़्यादा लॉस की पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पे लाभ भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो रिस्क यानी कि जोखिम, उसकी परिभाषा क्या है बहुत सारी बुक में अलग अलग है, लेकिन इसको आपको सीधा कनेक्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस से, जहाँ पे लाभ और हानि की संभावना बहुत असीमित हो, यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे हो तो उसको हम रिस्क कहेंगे, उसको हम जोखिम जोखिम कहेंगे। तो तीसरा अब आ जाती है सिचुएशन अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता। ये रिस्क से अलग है, ठीक है, लेकिन इसमें लॉस सिद्ध लॉस या प्रॉफिट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है।
तो अनिश्चितता की अगर बात करें हम, तो अनिश्चितता में क्या है? अनिश्चितता में ये चीज है कि सर्टेनिटी का बिल्कुल उल्टा है। आपको एक शॉप खोलनी है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मार्केट में पीक सीजन कब आएगा, ऑफ सीजन कब आएगा, कब जो है हमें सेल लगानी चाहिए, कब हमें प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने चाहिए, कहाँ से हमें माल जो है सस्ते रेट पे मिल सकता है, कहाँ पे कस्टमर ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं और बिना उधार के डायरेक्ट नगद दे के पैसे सामान ले सकते हैं। आपको इन सारी चीज़ों का कुछ नहीं पता, बस आपको ये पता है कि मेरे पास पैसे और मुझे शॉप खोलनी है। बाकी जो सब फैक्टर्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है, आपको उनकी नॉलेज ही नहीं है। तो उसको आप कहेंगे अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता। तो यहाँ पे डिसीजन लेना बिल्कुल अलग होगा। देखो जो पहली सिचुएशन थी सर्टेनिटी, वहां पे तो बिल्कुल आसान था क्योंकि हमने पूरा विश्लेषण किया बाजार का। रिस्क रिस्क वाली सिचुएशन में अगर बताएं तो डिसीजन जो है 50-50 होगा। 50% हो सकता है आप लो और 50% हो सकता है नहीं लो, क्योंकि उससे लॉस भी एसोसिएटेड है। तो रिस्क में आपका डिसीजन अलग होगा, सर्टेनिटी में अलग होगा, और अनसर्टेनिटी में भी आपका डिसीजन काफी अलग रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वही हम चीजें यहाँ पे बात करेंगे कि इन तीन सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। तो अब हम अपनी थ्योरी पे चलते हैं। डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, यानी कि निश्चितता के अंदर निर्णय लेने की एक क्षमता। ए कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी एग्जिस्ट व्हेन द डिसीजन मेकर्स नो विद रीजनेबल सर्टेनिटी व्हाट द अल्टरनेटिव आर, व्हाट कंडीशन आर एसोसिएटेड विद ईच अल्टरनेटिव एंड द आउटकम ऑफ ईच अल्टरनेटिव। देखो निश्चितता क्या है? निश्चितता एक वो सिचुएशन है जहाँ पे एक कस्टमर को ये एक सॉरी एक प्रोड्यूसर को या एक सेलर को ये पता है कि उसके प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव क्या है, उन अल्टरनेटिव की कंडीशन क्या है, और उन अल्टरनेटिव को जो है उनका आउटपुट कैसा है और वो कितने ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल है। ठीक है, यानी कि ये अल्टरनेटिव इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे कि आपने शॉप खोल ली है, सब्जियों की लगा लीजिए, वेजिटेबल्स की लगा लीजिए, तो उसमें हर वेजिटेबल्स का अपना एक प्राइस मैकेनिज्म रहेगा। एक जस्ट अ सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। तो जैसे कि हम वेजिटेबल्स की बात कर रहे थे, तो उसी तरीके से जो है हर चीज़ का उसको अगर प्रोड्यूसर को अल्टरनेटिव पता है कि भाई अगर मेरी ये चीज़ नहीं बिक रही है तो इसकी जगह मैं दूसरी भी बेच सकता हूँ। इसको आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर थ्योरीज में एग्जाम्पल साथ साथ दे के चलता रहूँ। तो जैसे कि मैं कृष्णा कॉलोनी रहता हूँ, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ एक बंदा है जो रेडी लगाता है, तो मैं उसको नोटिस करता हूँ। तो उसमें एक दो चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ मैं कि जैसे ये मान लीजिए कि अप्रैल से लेके और सितंबर तक वो जो है कुल्फी बेचता है वहाँ पे रेडी पे, दूध वाली जो है मावे वाली कुल्फी, अलग अलग वैरायटी की और बढ़िया कुल्फी वो सेल करता है वहाँ पे। तो अब ये देख लो आप कि अप्रैल से लेके सितंबर तक उसका ये काम रहता है। उसके बाद जैसे ही वेदर चेंज हुआ, गर्मी से सर्दी आ गई, तो वो वहाँ पे रेडी लगाना बंद नहीं करता है। रेडी भी वही रहती है, इंसान भी वही है, लेकिन उसका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। वो जो वहाँ पे वो कुल्फी सेल कर रहा था उसकी जगह पे मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक और गर्म गर्म चीज़ें जो भी होती है सर्दियों में खाने की, वो सेल करता है सेप्टेम्बर से लेके कम से कम ये मान लो अपना मार्च तक। ठीक है, तो ये उसका एक क्या है, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट हो गया। तो उसने ये डिसीजन कैसे लिया? उसने ये डिसीजन लिया अंडर सर्टेनिटी, क्योंकि अब वो गर्मियों में आइसक्रीम बेच रहा है, सर्दियों में मूंगफली बेच रहा है, तो उसको दो तीन चीजें तो सर्टनली पता है। पहली चीज कि उसका कंज्यूमर बेस या कस्टमर बेस कैसा है, कि उसके कितने कस्टमर हैं, ही नोज वेरी वेल। दूसरा, उसको ये भी पता है कि ये माल जो है मुझे कहाँ से सस्ते रेट पे मिल सकता है, उसको ये भी पता है। तीसरी बात, उसको ये पता है कि किस प्रोडक्ट में मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है या मार्जिन ज़्यादा है।
तो वो उसने जो डिसीजन लिया है वो किसके अंडर लिया है, अंडर सर्टेनिटी, और इस सर्टेनिटी में किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई रिस्क नहीं होता है। तो ये आपकी सिचुएशन है पहले वाली। द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर नोन एंड द फ्यूचर इज हाईली प्रोडक्टेबल अंडर कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी। सच कंडीशन एग्जिस्ट इन केस ऑफ रूटीन एंड रिपीटेटिव डिसीजन कंसर्निंग द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, इसको हम अगर कहें कि ये क्या होता है कारण और प्रभाव, इसे मतलब ये होता है कारण और प्रभाव में कि आपको कुछ आपके साथ हुआ तो आपको उसका इम्पैक्ट रिजल्ट पहले से पता होता है। अब मान लीजिए कोई स्ट्राइक हो जाए या कुछ और आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, लॉकडाउन लग जाए, तो उसका इम्पैक्ट जो है पहले से ही प्रोड्यूसर या सेलर जो है कैलकुलेट करके चल पड़ता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल इसके बारे में, इसके ऊपर बिल्कुल सूट करती है। जैसे कि टीवी हम सब देखते हैं, सब अलग अलग शोज देखते हैं टीवी पे, तो मैं एक टीवी शोज देखता हूँ बहुत लंबे टाइम से, उसका नाम है WWE रॉ। मतलब एक वीकली टीवी सीरीज है जो हर वीक उसका एक एपिसोड आता है। और वो जो सीरीज स्टार्ट हुई थी, यानी कि मेरे जन्म के एक साल पहले हुई थी, 1992 में वो स्टार्ट हुई थी, 1992 में वो एपिसोड आने स्टार्ट हुए थे टीवी पर उसके। तो 1992 से लेके अभी ये 2021 चल रहा है, वो अभी भी प्रोग्राम चल रहा है, वो प्रोग्राम कभी बंद हुआ ही नहीं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में, मुझे शो में इंटरेस्ट है, वो रेसलिंग वेसलिंग में देखता हूँ उसके अंदर, तो मैंने उसके बारे में पता की कि यार ये शो इतना लंबा चल कैसे गया। तो उसके बारे में दो तीन चीज़ें मुझे पता चली। वो शो जो है USA में ही प्रोड्यूस होता है, या अलग अलग शहरों में, कभी न्यूयॉर्क में, कभी न्यू जर्सी में, कभी वॉशिंगटन में, कभी बोस्टन में, कभी कहीं कभी कहीं, ठीक है, अलग अलग शहरों में उसकी इवेंट होती है। तो मैंने पता किया शो के बारे में कि भाई ये शो इतना इंटरेस्टिंग कैसे है, और पूरे टीवी पूरे वर्ल्ड में वो सबसे लंबा शो है। यानी कि आप ये देख लो, 1992 में स्टार्ट हुआ था, तो 21 साल तो ये हो गए और 8 साल वो हो गए, मतलब 29 साल हो गए इस टीवी शोज को चलते हुए हर वीक। और एक भी वीक ऐसा नहीं गया जिसमें वो टीवी पे ना आया हो। ये रूल है वहाँ का कि चाहे कितनी USA में देखो कितनी बार नेचुरल डिजास्टर आया है, कभी तूफान, कभी आंधी, कभी कुछ कभी कुछ, बहुत सारी चीजें आती रहती है, कभी कोई कोरोना वायरस हो गया, तो लेकिन वो शो कभी बंद नहीं हुआ, हर वीक वो आया है। क्योंकि जो उनके चेयरमैन है शो के, वो कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन, कि भाई शो जो है चलता रहना चाहिए, चाहे कोई भी आफत आ जाए, लेकिन हमारा शो नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये उनकी एक खासियत है। अब जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ, देखो कोरोना के टाइम पे उनके सामने कितना बड़ा चैलेंज था। उनका क्या होता है, जैसे क्रिकेट देखने जाते हैं लोग, मैच देखने जाते हैं, तो सेम वहाँ पे जैसे हर वीक वो शो आता है तो ऑडियंस जाती थी, लेकिन कोरोना की वजह से क्या हुआ, ऑडियंस बिल्कुल बैन हो गई USA में। लेकिन तब भी वो शो चला। कैसे चला, कि वहाँ पे कोई ऑडियंस नहीं है उस स्टेडियम में, सिर्फ कैमरे लगे हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं कैमरे उसको शूट कर रहे हैं, और लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं उनको। कोरोना के टाइम पे भी वो शो नहीं रुका। उसके बाद फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई, पब्लिक तो अभी भी अलाउड नहीं है वहां पे आना, लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, LED लगा दी जहाँ पे लोगों की फोटो दिखती है, मतलब फैंस नहीं है, सिर्फ उनकी फोटो है या वो उनकी वीडियो शो हो रही है। तो देखो वो शो ऐसा है कि उसने अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी है, उसका एक भी वीक ऐसा नहीं गया जिस दिन वो पब्लिश नहीं हुआ हो। तो वो क्या सिचुएशन है, वो सिचुएशन किसकी है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है कि भाई उनको ये पता है कि अगर हमने एक बार अपना शो बंद कर दिया या कुछ ऐसा होगा, तो उससे जो है हमारे ऑडियंस का नंबर कम होगा, हमारी TRP कम होगी, और भी बहुत सारे फैक्टर जो है रहेंगे। तो इसलिए वहां पे जो सिचुएशन है, वहां पे क्या है, सर्टेनिटी की सिचुएशन लागू होती है, वहां पे कॉज एंड इफेक्ट जो है पहले से ही कैलकुलेटेड है। तो अब हम आगे चलते हैं, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, ये दूसरी सिचुएशन है कि हम जो है जब जोखिम होता है तब हमारे डिसीजन कैसे उससे इफेक्टेड होते हैं, अब वो भी हम देख लेते हैं। व्हेन ए मैनेजर लैक्स परफेक्ट इंफॉर्मेशन और व्हेनेवर एन इंफॉर्मेशन एसिमेट्री
एग्जिस्ट रिस्क अराइज। इसने कहा कि जब एक मैनेजर के पास हर चीज की जानकारी नहीं होती है तब क्या होता है, तब क्या होता है, इसमें एक वर्ड लिखा है एसिमेट्री इंफॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, क्या है कि दो पार्टियां हैं, एक पार्टी के पास इंफॉर्मेशन है और दूसरे के पास बिल्कुल नहीं है। अभी जैसे कि आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे कुछ आर्टिकल दिया था, टॉपिक उसमें लिखा हुआ था मोरल हजार्ड एंड एडवर्स सिलेक्शन, तो उसमें मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया तो मैंने खुद भी पढ़ा तो अच्छा लगा मुझे। उस वही सिचुएशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब क्या है कि जब एक एक पार्टी के पास तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो लेकिन वो दूसरे को इन्फॉर्मेशन ना दे। मान लीजिए कि मुझे शुगर की बीमारी है या मुझे अस्थमा है या कोई और मुझे बीमारी है, और मेरे घर पे क्या हुआ, लाइफ इंश्योरेंस करने वाला बंदा आ गया या हेल्थ इंश्योरेंस करने वाला बंदा आ गया, तो वो मेरे से पूछे है मेरी हेल्थ के बारे में कि आपको कोई क्रोनिक डिजीज तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो बचपन से है। देखो इंश्योरेंस का क्या रूल है, इंश्योरेंस की अगर बात चली पड़ी है, इंश्योरेंस का रूल ये है कि अगर कोई इंसान ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे उसके जिंदगी जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो उसका इंश्योरेंस तो होगा महंगा, सच्ची बात बताऊँ आपको, उसको किस्तें भरनी पड़ेगी महंगी। क्यों? क्योंकि उसका काम ही ऐसा है, जानलेवा काम तो कितने सारे हैं, जैसे ये फायर ब्रिगेड वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं आपके, और उसके बाद ये गोताखोर होते हैं, सी डाइवर्स होते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा रिस्की काम है, जैसे कि जो गैस एजेंसी में काम करते हैं वर्कर, अगर वहाँ पे एक छोटी सी भी चिंगारी हो जाए तो कितना रिस्क है, जान का रिस्क है। और ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे पेंट करते हैं इतने ऊंचाइयों पे, बहुत सारी जॉब्स ऐसी है जहाँ पे जिंदगी का खतरा है, जैसे कि कोई ये जो आपके बिजली बोर्ड में है एम्प्लॉय, इनका काम क्या होता है कि लेके जाते हैं और तार तूर कट जाए कहीं पे, कुछ कनेक्शन हो जाए तो ये रिस्क लेके उसको ठीक भी कर देते हैं। तो इन लोगों को अगर आपको इंश्योरेंस करना है तो इनका इंश्योरेंस तो होगा बहुत महंगा। महंगा क्यों होगा? क्योंकि इनकी लाइफ हमेशा रिस्क पे रहती है। तो ऐसे ही जब वो बंदा आया हेल्थ इंश्योरेंस करने, लाइफ इंश्योरेंस करने, तो वो ये जानना चाहेगा कि भाई मेरे जो लाइफ है वो कितने रिस्क में है। अगर मैंने उसको ये बता दिया कि मुझे शुगर भी है, मुझे बीपी हाई लो की भी दिक्कत है, मुझे अस्थमा भी है, मुझे हार्ट अटैक भी आया पहले, तो उसका मतलब क्या है कि वो हार्ट अटैक दोबारा से भी आ सकता है, शुगर बहुत ज़्यादा लो या तो बहुत ज़्यादा हाई भी जा सकती है। तो इसलिए क्या रहेगा वहाँ पे, मेरा लाइफ जो है ज़्यादा रिस्क है तो वो इंश्योरेंस जो है महंगा मुझे पड़ेगा और मुझे किस्त भी बहुत ज़्यादा भरनी पड़ेगी और हैवी अमाउंट में भरनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसको एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, यानी कि आधी अधूरी जानकारी। आप पूछोगे सर वो कैसे, वो ऐसे क्यों मेरे से पूछेगा आपको हेल्थ वाइज क्या प्रॉब्लम है, मैं कहूँ नो आई एम फाइन, ऑल्दो मुझे है सारी प्रॉब्लम, मैं उसके लिए मैं उससे अपनी बीमारियाँ छुपाना चाहूँगा। मैं कहूँगा देखो कोई झूठी रिपोर्ट या टेस्ट वेस्ट बनवा के इधर उधर से प्राइवेट डॉक्टर से, कह दूंगा ये देखो मेरा बीपी नॉर्मल, मेरी शुगर नॉर्मल, मेरी हार्ट बीट नॉर्मल, अस्थमा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। उसको जो है ऐसे में क्या कर रहा हूँ, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, यानी कि अधूरी जानकारी में उसको दे रहा हूँ। तो जहाँ पे अधूरी जानकारी होगी वहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जब जब एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है वहां पे जो है आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। फिर इन्होंने आगे लिखा है अंडर ए स्टेट ऑफ रिस्क द डिसीजन मेकर हैज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल अल्टरनेटिव बट हैज ए गुड आइडिया ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम फॉर ईच अल्टरनेटिव। वाइल मेकिंग डिसीजन अंडर ए स्टेट ऑफ रिस्क मैनेजर मस्ट डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी एसोसिएट विथ ईच अदर अल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड हिज एक्सपीरियंस। वही बात है जो मैंने कही है इसमें सब। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के अंदर जो है कैसे डिसीजन लिया जाता है वो यहाँ पे अब बात होगी।
तो इन्होंने कहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसीजन मेड इन टूडेज कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट आर फॉर्मुलेटेड अंडर ए स्टेट ऑफ अनसर्टनिटी, कि आज के टाइम में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो ज़्यादातर जो है अनसर्टनिटी में लिए जाते हैं। क्यों? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे। अब जैसे कहाँ से इसके स्टार्ट करें, मान लीजिए कि पहले कोई था, मतलब लोगों का फैशन टेस्ट इतने जल्दी जल्दी चेंज होता है, हम सोच भी नहीं सकते। अभी जैसे कि कुछ साल पहले जो था बेल बॉटम पेंट आते थे, उसका बहुत क्रेज था, लोग पागल रहते थे बेल बॉटम डाल के और अपना ये वो, तो बहुत सारे लोगों ने खूब पैसा लगाया और कमाया भी, नो डाउट। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, जो है जीन्स आ गई मार्केट में, जीन्स देखी लोगों ने, कलर वाइज ही बहुत अट्रैक्टिव है और कंफर्टेबल भी है, तो लोगों ने क्या किया, बेल बॉटम को बाय बाय बोल दिया और जो है अपना इस तरफ आ गए जीन्स की तरफ। तो जो वो लोग पहले उस इंडस्ट्री में थे, कपड़ा सीने की में या बेल बॉटम बेचने में, मार्केटिंग में, वो तो बिल्कुल एकदम से खाली हो गए क्योंकि जीन्स की तरफ शिफ्ट हो गए, और जीन्स जो है रेडीमेड होती है, उसमें कोई टेलरिंग वेलिंग का कोई ज़्यादा इश्यू होता नहीं है। तो क्या हुआ कि पूरी तरह से अनसर्टेनिटी रही, तो इसकी तरह से प्रोफेशन बिल्कुल चेंज हो गया। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो स्टार्टिंग में हिट हुए, लेकिन आते आते जो है टाइम टू टाइम वो जो है चेंज होते रहे, अगर आपको मैं सही से बताऊं तो। तभी तो आप देखते हो अभी आज के टाइम में कोई भी कंपनी है ना, वो एक ही चीज नहीं बनाना चाहते। सही बताऊं मैं आपको, कोई भी कंपनी हो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट पे नहीं रहना चाहती। अब जैसे आप ये लगा लिए, कितने सारी कंपनीज है, जैसे कि आपकी फॉर्च्यून कंपनी है, फॉर्च्यून कंपनी पहले क्या किया, रिफाइंड ऑयल बनाया, उसके बाद फिर आटा दाल घी और सारे प्रोडक्ट में आती गई। ऐसे ही टाटा, टाटा कंपनी क्या थी पहले, ओरिजिनली बनी थी किसके लिए, लोहे के लिए, लोहा जो इसका इंडस्ट्री था जमशेदपुर में, अभी भी है, वहां से इसने स्टार्ट की। लेकिन ये वहां तक नहीं रही, लोहे से स्टील में आई, स्टील से पेट्रोलियम में आई, पेट्रोलियम से मोबाइल में आई, मोबाइल से फिर कंप्यूटर में आई, कंप्यूटर से फिर आईटी सेक्टर में आई, आईटी सेक्टर से फिर कंसल्टेंसी में आई। तो देखो कितना ब्रॉड है टाटा का काम, नमक में भी है, इतने सारे बिजनेस हैं। ये बिजनेस इसने इतने ज्यादा क्यों फैलाए हैं, क्या रीजन है इसका, रीजन क्या है, अनसर्टेनिटी। कि हो सकता है कि आज जो आपका बिजनेस इतना हिट है ना, उसको गिरने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। जैसे कि उस दिन हम नोकिया के इस डिस्कस कर रहे थे क्लास में, सभी थे आप, मैं भी था, तो वहां पे मैंने एक बात कही थी कि जब 4G लॉन्च नहीं हुआ था तो मार्केट में सारे मोबाइल 3G थे, 3G मोबाइल धड़ल्ले से बिक रहे थे, लोग खूब प्रॉफिट कमा रहे थे, बेचने वाले भी बनाने वाले भी, एवरीवन वाज अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन जिस दिन 4G लॉन्च हुआ, 4G सर्विस स्टार्ट हुई, उस दिन से वो सारे 3G नेटवर्क फोन जो है डब्बा बन गए, जो कस्टमर का पोर्शन था वो सीधा शिफ्ट होके 4G पे चला गया। तो जो 3G फोन्स थे वो बिल्कुल ऑब्सलीट हो गए, ठीक। और अभी ऐसे ही होएगा, अभी जैसे ज्यादा नहीं, मैं आपको कहूँ शायद 7 महीने में, 7 मैक्सिमम 7, विद इन 7 मंथ्स 5G इंडिया में आ जाएगी। तो अभी जो आपके फोन हैं मार्केट में, अगर मुझे ठीक से याद है तो अभी 97% जो मोबाइल्स है अभी वो 4G तक ही है, ठीक है। कुछ फोन है जो 5G में आए हैं, बहुत सारे हैं जो, लेकिन लिमिटेड से फोन है जो 5G के लिए हैं और भी वो काफी महंगे हैं। तो सिर्फ 3% मोबाइल अभी मार्केट में ऐसे है जो 5G का सपोर्ट करते हैं। तो 5G के लिए ऐसा नहीं होगा कि आपको अलग से टावर लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके जो ये टावर लगे हुए हैं मोबाइल के, यही टावर पे आप 7G तक अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि 5G लगेगा तो नए नए टावर लगाने पड़ेंगे या 4G हटाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वो काम कहाँ अटका हुआ है, स्पेक्ट्रम में अटका हुआ है। गवर्नमेंट जिस दिन परमिशन दे देगी कि ठीक है जी आप 5G सर्विस स्टार्ट कर दो, तो जिस दिन ये 5G सर्विस स्टार्ट होगी, तो जो आपके 97% मोबाइल है जो अभी आपके पास है, मेरे पास है, अभी जो बिके नहीं है, जो बिकने वाले हैं, वो पूरी तरह से ऑब्सोलीट हो जाएंगे जिस दिन 5G स्टार्ट हुआ। क्यों? बिकॉज पीपल ऑलवेज प्रेफर न्यू टेक्नोलॉजी, हमेशा ही से ही लोगों को नई चीजें पसंद आती है। और इसको कैसे समझ सकते हो, देखो ये आपको भी पता है, हमें पता है कि जो पुरानी मूवीज होती थी वो बहुत रियलिस्टिक होती थी, अच्छे एक्टर थे, अच्छी एक्ट्रेस थी, अच्छी एक्टिंग थी, अच्छी स्टोरी थी, सब कुछ परफेक्ट था।
कितने अच्छे अच्छे एक्टर हुए हैं देखो, दिलीप कुमार साहब हुए हैं हमारे, उसके बाद अमिताभ बच्चन हैं, ऋषि कपूर साहब हैं, कितने एक से एक लेजेंड हुए अपने टाइम में, जिनकी एक्टिंग देख के दिल खुश हो जाता था, हाँ भाई बंदे ने बिल्कुल रियलिस्टिक एक्टिंग की है, ठीक है वो बिल्कुल अच्छी थी एक्टिंग। लेकिन अगर हम आज के एक्टर्स की बात करें तो उनकी एक्टिंग, अगर मैं ज्यादा नहीं कहूँ तो उनको शायद एक्टिंग का ABC भी नहीं लगता होगा, जैसे कि आपके ये वरुण धवन है, वो मैं नहीं देखता मूवी नहीं की। बहुत सारे एक्टर है जो आजकल नए नए आ गए हैं मार्केट में, तो कुछ नहीं है उनको, उनको डायलॉग डिलीवरी नहीं पता, उनको एक्टिंग का नहीं पता, उनको बॉडी पोज का नहीं पता, जस्ट वह क्या पता है उनको शो करना आता है, ओवर एक्टिंग करनी आती है, जहाँ बार डायलॉग डिलीवरी की होगी वहाँ पे भी नहीं है सिस्टम। और अगर म्यूजिक की बात करो तो म्यूजिक में और भी ज़्यादा दिक्कत है, अभी आजकल जो बॉलीवुड में म्यूजिक बन रहा है ऑलमोस्ट सब कुछ रीमेक ही है, जो पुराने गाने किसी टाइम में हिट हुए थे उनको ही रिमिक्स करके मार्केट में बेचा जा रहा है, और बॉलीवुड के पास खुद के कुछ क्रिएटिविटी नहीं बची है, वही मूवी दोबारा बना देंगे, वही सॉन्ग दोबारा से रिपीट हो रहे हैं अलग फॉर्मेट में, तो इसका मतलब क्या है। लेकिन फिर भी, लेकिन इसकी ये कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी पार्ट यू कैन सी, लेकिन फिर भी वो दोबारा से कॉपी कर करके बना रहे हैं मूवी सॉन्ग्स, लोग देख रहे हैं, पीपल आर वॉचिंग, क्यों देख रहे हैं भाई, जब लोगों को पता है कि इससे बेटर चीज थी पहले ओरिजिनल, लेकिन लोग अभी भी देख रहे हैं उसको, क्यों देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को नई चीजें अच्छी लगती है, न्यू टेक्नोलॉजी, पुरानी तो चलो आई गई ठीक है वो अच्छी थी, लेकिन लोगों को हमेशा नई चीज में दिलचस्पी होती है, चाहे उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी क्यों ना हो। तो इसलिए यहाँ पे बात आई है कि क्यों एक कंपनी जो है बहुत सारे ब्रांड में पैसा लगाती है, वो इसलिए लगाती है ताकि उनका अगर एक बिजनेस भी चौपट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे किसानों का आंदोलन हुआ था, तो किसानों ने, अभी पंजाब में हुआ उसका ज्यादा इम्पैक्ट, तो लोगों ने क्या किया, मोबाइल टावर तोड़ना स्टार्ट कर दिए, अगर आपने न्यूज में पढ़ा हो तो। अब वही है, अब किसान ज्यादातर कौन होते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा अवेयर नहीं है, जो ज्यादा टेक्नोक्रेट्स नहीं है, जिनको टेक्नोलॉजी का उतना ज्यादा नहीं पता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भाई अब मुझे अंबानी को नुकसान पहुंचाना है तो मैं नुकसान कैसे पहुंचाऊंगा, तो उन्होंने क्या किया, अपना किसी टावर पे देखा जियो लिखा हुआ है तो उनको क्या किया, जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्होंने बहुत सारे टावर्स को नुकसान पहुंचाया, बहुत सारे टावर्स को। लेकिन जब बाद में किसी ने उनको बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी का एक ही टावर होता है, ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे टावर्स ऐसे हैं इंडिया में, खासकर मोर देन 62% मोबाइल टावर्स ऐसे हैं जिसपे एक साथ कई कंपनीज के लगे हुए हैं, रिसीवर, सेंडर, सैटेलाइट, आप कुछ भी कहो, जैसे कि हमारे यहाँ पड़ोस में ही है, यहाँ पे एक ही टावर पे एयरटेल का भी लगा हुआ है, BSNL का भी और जियो का भी, तीन मोबाइल कंपनी के एक साथ लगे हुए हैं। तो अब अगर आप ये बताओ, अगर आपको जियो को नुकसान पहुंचाना है तो आप जो दूसरी कंपनी के टावर्स हैं उसको क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अब ये बात किसानों को पहले पता नहीं थी कि भाई एक टावर पे कई कंपनी के होते हैं, तो बाद में उन्होंने उस चीज को रोका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अज्ञानता है, जो इग्नोरेंस है, ये काफी नुकसान करा देती है इंसान का। तो जैसे कि मैं वो कह रहा था कि भाई बहुत सारे डिसीजन जो है हमें अनसर्टेनिटी में लेने पड़ते हैं, और जो मैंने आपको 4G और 5G का बताया है वो ऐसे ही होने वाला है। अभी जो आपको 4G मोबाइल महंगे हैं, महंगे मिल रहे हैं, बस 5G का वेट करो, जैसे ही आप 5G आएगा जिस दिन, तो अभी आपका जो मोबाइल 20,000 का होगा वो उस दिन 11,000 में भी बिक जाएगा, आई प्रोमिस यू, बिना कहे बिकेगा, कंपनी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आज के टाइम में जो डिसीजन ज्यादातर लिए जाते हैं वो इसी सिचुएशन में लिए जाते हैं, अनसर्टेनिटी में। अब आगे चलते हैं, द डिसीजन मेकर इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल अवेलेबल अल्टरनेटिव, द रिस्क एसोसिएट विथ ईच अदर एंड द कंसिक्वेंस ऑफ ईच अल्टरनेटिव ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज, द मैनेजर डज नॉट पोजेस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अल्टरनेटिव एंड वट एवर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल मे नॉट बी कम्प्लीटली रिलायबल। कि इस सिचुएशन में क्या है कि एक तो मैनेजर के पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती, पहली बात, और दूसरी बात क्या है कि जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी विश्वसनीय नहीं होती है,
विश्वास के लायक नहीं होती है। दो बातें हैं यहाँ पे। इन द फेस ऑफ सच अनसर्टेनिटी मैनेजर्स नीड टू मेक सर्टन अजम्पशन अबाउट द सिचुएशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए रीजनेबल फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। दे हैव टू डिपेंड अपॉन देयर जजमेंट एंड एक्सपीरियंस फॉर मेकिंग डिसीजन। तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको कुछ चीज़ें जो है ऐसे ही छोड़नी पड़ती है मार्केट के ऊपर, उनको ये चीज़ें छोड़नी पड़ती है। तो इसमें हम आगे देखते हैं, मॉडर्न अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग अनसर्टेनिटी। तो जो तीसरी सिचुएशन है ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। देर आर सेवरल मॉडर्न टेक्निक्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग दीज आर रिस्क एनालिसिस, डिसीजन ट्री। रिस्क एनालिसिस में तो यही है, देखो रिस्क से आप बच नहीं सकते। एक मूवी में एक डायलॉग था कहीं पे मैंने सुना था कि आज के टाइम पे रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है, मतलब यू कांट अवॉइड रिस्क। और जहाँ पे रिस्क, अब रिस्क की अगर आपको मैं बात बताऊँ इसको फाइनेंशियल टर्म में, तो इसका एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, आपने सुना होगा बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन क्या होते हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। इसके बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था आपके साथ, रिस्क एनालिसिस एंड डिसीजन ट्री। रिस्क एनालिसिस में क्या लिखा है, मैनेजर्स हु फॉलो दिस अप्रोच एनालाइज द साइज एंड नेचर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्विंग इन चूजिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। फॉर इंस्टेंस व्हाइल लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट ए मैनेजर हैज टू केयरफुली एनालाइज ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स, द कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, द प्राइस दैट कैन बी सेट फॉर द प्रोडक्ट। तो ये जो है इन्होंने कहा कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए उनको बहुत सारे मैनेजर को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। पहले तो क्या है कि कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग क्या है उस प्रोडक्ट की, दूसरा क्या है कॉस्ट, तीसरा कैपिटल कितना चाहिए आपको, कितना पैसा उसके लिए लगेगा, और वो सारी चीज़ें जो है आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। तो ये सब क्या है, ये रिस्क का साइज है, इसको हम बोलते हैं रिस्क एनालिसिस। फिर है डिसीजन ट्री। These are considered to be one of the best way to analyze a decision. A decision tree approach involves a graphic representation of alternative course of action and the possible outcome and risk associated with each action. यानी कि एक तरह से ट्री बन जाएगा कि अगर हम जो है कि अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो स्पेशली जो है बच्चों के लिए हो, तो उसका क्या क्या उसका इम्पैक्ट होगा, अल्टरनेटिव क्या होगा, क्या उसके पेरेंट्स उनको बच्चों को प्रोडक्ट लेने देंगे या नहीं देंगे, कल्चरली क्या इफेक्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें उसमें होगी, मतलब बहुत सारे एक ट्री बन जाएगा। बाय मीन्स ऑफ ए ट्री डायग्राम डिपिसिटिंग द डिसीजन पॉइंटिंग चांस इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व इन वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। दिस टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग अलो द डिसीजन मेकर टू ट्रेस द ऑप्टिमम पाथ ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये उसमें आपको देखना है। तो ये बिल्कुल इजी सा टॉपिक था, इसकी हार्ड कॉपी में एक दो दिन में अभी करता हूँ स्टार्ट नेक्स्ट आना रेगुलरली, फिर इसको आपको हार्ड कॉपी में मैं शेयर कर दूंगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया है, ठीक है। तो आपको मिलता हूँ एक दो दिन में ऑफलाइन मोड पे बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय।